दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की के जादुई बर्थडे केक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विलासपुर नाम के एक गांव में ईशानी नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहा करती थी। जब भी कोई त्योहार आता था तो ईशानी बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि उसके पास त्योहार मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन ईशानी की क्लास में पढ़ने वाली माया नाम की एक लड़की सभी लड़कियों को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है। मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए शहर के सबसे बड़े क्लब में पार्टी रखी है। तुम सब शाम को 7 बजे मेरे घर पर तैयार होकर पहुँच जाना, मैं तुम सबको उस क्लब में लेकर जाऊंगी। ये सुनकर सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। ईशानी भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े क्लब में जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को सभी लड़कियां माया के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी ईशानी को देखकर रोहिणी उसे ताना मारते हुए कहती है, अरे तुझे आने के लिए किसने कहा था? उस क्लब में सिर्फ महंगे और सुंदर कपड़े पहनने वाले को ही जाने दिया जाता है। तेरे पुराने और सड़े हुए कपड़े को देखकर ही दरवाजे से तुझे धक्के मारकर भगा देंगे। ये सुनकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ ईशानी पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ माया के साथ क्लब में चली जाती है। बेचारी ईशानी उदास होकर अपने घर पर वापस लौट जाती है। इस तरह हर कोई ईशानी की गरीबी का मजाक उड़ाता था। फिर एक रात ईशानी अपने घर पर पढ़ाई कर रही थी कि तभी वहाँ अचानक से एक घायल परी आ जाती है। सुनो लड़की, मैं परी देश की रहने वाली परी हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ आज पृथ्वी पर पिकनिक मनाने आई थी, लेकिन तभी परियों का शिकार करने वाले डायना जादूगरनी ने हम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं वहाँ से भागी हूँ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? देखो, वो जादूगरनी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तो मुझे जल्दी से अपने घर में कहीं छुपा दो ना। उसके बाद ईशानी परी को अपने घर के पीछे वाले कमरे में बने तहखाने के अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ पर डायना जादूगरनी पहुँच जाती है। मैं एक परी का पीछा कर रही हूँ, क्या तुमने यहाँ किसी परी को देखा है? देखो, मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं बहुत ही बेरहम और दुष्ट जादूगरनी हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो, समझी लड़की? अरे आप किस परी की बात कर रही हैं जादूगरनी जी? मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी भी कोई परी नहीं देखी। क्या सच में परियां होती हैं? बोलो ना जादूगरनी जी। देखो, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर डायना जादूगरनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ईशानी परी को तहखाने से बाहर निकाल लेती है और वो दोनों घर में बैठे बातें कर रही होती हैं। तभी थोड़ी ही देर के बाद परी की दूसरी सहेलियां भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईशानी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। इस वक्त मुझे जाना होगा, लेकिन मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वापस आऊँगी। इतना कहकर वो परी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ईशानी अपनी पड़ोस की सहेली के साथ, सुनो ईशानी, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, क्या तुम मुझे केक नहीं खिलाओगी? तुम तो जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ, मेरे पास केक खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, तो परेशान क्यों हो रही है? तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। अरे परी जी, अचानक आप यहाँ पर कैसे आ गईं? मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है,
इसीलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाने आई हूँ। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी से ईशानी के कपड़ों को एक सुंदर से कपड़े में बदल देती है और साथ ही उसके घर को भी एक बड़ा और शानदार घर बना देती है। तभी परी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा केक प्रकट कर देती है। ये एक जादुई केक है, इसे खाते ही तुम अपने आप हवा में उड़ने लगोगी और ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम इससे अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। आज हम तुम्हारा बर्थडे यहाँ के सब गरीब लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएंगे। उसके बाद ईशानी अपने आसपास के सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा कर लेती है। फिर ईशानी केक काटती है और सभी लोग ईशानी के जन्मदिन की पार्टी मनाने लगते हैं। मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम जैसी अच्छी लड़की की मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब मैं हर साल इसी तरह तुम्हारा बर्थडे मनाने आया करूंगी। इस तरह ईशानी और परी की दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद से ईशानी की जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। पारुल एक कुरियर कंपनी में काम करके अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाती थी। कुरियर सर्विस की मालकिन शर्मिला बहुत ही लालची और मतलबी औरत थी। वो पारुल से ज्यादा काम कराकर उसे बहुत कम पैसे देती थी। मैडम, आपके यहाँ काम करते हुए मुझे कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। अरे, तुम तो बहुत ही लालची लड़की हो, हर वक्त सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती रहती हो। देखो, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। अगर तुम्हें काम करना है तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें निकाल कर किसी दूसरी लड़की को रख लेती हूँ। ये सुनकर पारुल बहुत घबरा जाती है। नहीं नहीं मैडम, मुझे निकाल कर किसी और लड़की को मत रखिए, मैं इसी तनख्वाह पर काम कर लूँगी और आज के बाद कभी भी आपसे शिकायत भी नहीं करूँगी। एक दिन पारुल की बहन जानवी कॉलेज से जल्दी घर आ जाती है। अरे क्या हुआ जानवी, तुम कॉलेज से बहुत जल्दी आ गई? दीदी, मैंने कॉलेज की फीस नहीं भरी थी ना, इसीलिए कॉलेज से मेरा नाम काट दिया गया है। ये सुनकर पारुल बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, हे ऊपर वाले, सारा दिन मेहनत करने के बाद भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाती कि तुझे ठीक तरह से पढ़ा सकूं। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। कोई बात नहीं दीदी, अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन देख लेना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन उस शहर में सबकी मदद करने वाली एक परी अपने सर पर ढेर सारे कपड़े लेकर सड़क से जा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। तभी वहाँ से कुरियर के पार्सल लेकर पारुल गुजर रही थी। पारुल उस परी को देखकर उसकी मदद के लिए उसके पास पहुँच जाती है और उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में ले आती है। फिर पारुल उस परी से पूछती है, अरे परी जी, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ बोलो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन आप इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही थी? मैं एक परी हूँ और मैं परियों के लिए कपड़े बनाने का काम करती हूँ। सामने वाली पहाड़ी के पीछे परियों की कॉलोनी है, ये सारे कपड़े मुझे वहाँ पहुँचाने हैं, लेकिन मेरे जादुई परों में कुछ खराबी आ गई है, इसीलिए मैं पैदल ही कपड़े लेकर जा रही थी, जिस वजह से मुझे चक्कर आ गया। आप फिक्र मत करिए परी जी, आप बस मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं ये सारे कपड़े वहाँ पहुँचा दूंगी। फिर परी पारुल को परियों की कॉलोनी का एड्रेस दे देती है। उसके बाद पारुल सारे कपड़े अपनी साइकिल पर रखकर उन्हें परियों की कॉलोनी में पहुंचा देती है। पारुल के काम से खुश होकर वो परी उसे एक जादुई सूट दे देती है और उससे बोलती है, इस जादुई सूट को पहनने के बाद
तुम जो भी उससे मांगोगी ये तुम्हें दे देगी, लेकिन इसका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। पारुल उस परी को धन्यवाद करती है। फिर पारुल उस जादुई सूट को लेकर अपने घर चली जाती है। उस जादुई सूट को पहनकर पारुल अपनी बहन के कॉलेज की फीस भरने के लिए उससे पैसे मांगती है। पारुल के इतना बोलते ही वहाँ नोटों की बरसात होने लगती है, और ये देखकर पारुल और उसकी बहन जानवी बहुत ही खुश होती हैं। तभी जानवी अपनी बहन से कहती है, दीदी क्यों ना इन पैसों का इस्तेमाल हम अपने साथ साथ गरीबों की भलाई के लिए भी करें। अरे वाह मेरी बहन, तू तो बहुत समझदार है। फिर अगले ही दिन से दोनों बहनें रोज अपने घर के बाहर गरीबों को खाना और कपड़े बांटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ कई दिनों से पारुल काम पर नहीं गई थी, इस वजह से उसकी मालकिन शर्मिला को पारुल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। तभी शर्मिला खिड़की से देखती है कि पारुल अपने जादुई सूट से बात कर रही है। सुनो जादुई सूट, आज मुझे एक गरीब लड़की की शादी करवानी है, तो उसके लिए मुझे ढेर सारे सुंदर सुंदर गहने दे दो। पारुल के इतना कहते ही वहाँ गहनों की बारिश होने लगती है। ये देखकर शर्मिला के मन में लालच आ जाता है। फिर रात को शर्मिला चुपके से पारुल के घर में घुस जाती है और उसका जादुई सूट चुरा कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर शर्मिला उस जादुई सूट को पहन लेती है और उस जादुई सूट से बोलती है, चल जादुई सूट जल्दी से मुझे परी की तरह सुंदर बना दे, और सुन मुझे बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के भी चाहिए, चल जल्दी जल्दी दे मुझे। लेकिन शर्मिला के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक खतरनाक राक्षस प्रकट हो जाता है और शर्मिला के कान पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है, जिसमें शर्मिला रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो राक्षस जी, अब मैं इसके बाद दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। शर्मिला की पिटाई करने के बाद वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो जादुई सूट भी वहाँ से गायब होकर पारुल के पास वापस पहुँच जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शर्मिला को उसके किए की सजा मिल जाती है, और वो दोनों बहनें हंसी खुशी उस जादुई सूट के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।